आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में, और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था चैप्टर 2, और आज हम करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आपको नोटिस करना है कि जो भी आपकी डेली लाइफ में चीज़ें हैं यूज़ होती है, तो वो सिंथेटिक है या फाइबर्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स की बनी है या कैसे बनी है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए ये चैप्टर आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो घर में डेली यूज़ में लाते हो, तो वो किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। चलिए, द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स होती है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है। जितने भी फैब्रिक्स हैं वो हमें ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल का मतलब होता है जो नेचर से, और आर्टिफिशियल यानी जो मैन मेड होते हैं, ओके। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर्स को आप बता सकते हो जो हमें मिलते हैं, ठीक है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। फाइबर्स से बहुत सारे हाउसहोल्ड की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। घर की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइबर से बनती है, ठीक है। अब जो नेचुरल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो किसे कह सकते हो आप, नेचर से हमें जो मिलती है, कॉटन वगैरह जो है वो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, ओके। तो उनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, कुछ आप आर्टिकल्स ऐसे लीजिए और उनका लिस्ट बनाइए जो आपके फाइबर्स से बने हुए हैं, ठीक है। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। और उनको आपको कोशिश करनी है कि ऐसे फाइबर्स को अलग करो जो नेचुरल फाइबर्स हैं, ओके, और जो मैन मेड है उसको आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं, उनको अलग कीजिए, ठीक है। तो टेबल में आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर वो जो टेबल दी है उस इस तरह से टेबल बना के आप इसको कर सकते हैं, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, ठीक है। हमने कुछ आर्टिकल्स को आर्टिफिशियल क्यों बोला है, अभी जस्ट मैंने बताया कि आर्टिफिशियल हम इसलिए बोलते हैं कि जो ऐसे फाइबर्स हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है, जो इंसान खुद बनाते हैं अपने हाथों से, तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल। या आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट्री से केमिकल के थ्रू बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, ओके। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था 7th क्लास में कि कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, जैसे कि एनिमल से और प्लांट से, ओके। उसके एग्जांपल भी दे दिए, कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारी चीज़ें आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था कि वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनते हैं, ओके, मैन मेड होते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसी पेज पर। ये देखिए, क्वेश्चन आ सकता है वॉट आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा वॉट आर सिंथेटिक फाइबर्स, द फाइबर्स विच आर मेड बाई ह्यूमन, ठीक है। ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन्स ने खुद से बनाए हैं, ठीक है, और वो भी केमिकली, ओके, तो केमिकल का यूज़ करके जो उसको ह्यूमन ने बनाया है उसको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स
जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ठीक है, आप उसको इसके जैसा इन्होंने बोला है कि आप बीट्स को इकट्ठा कीजिए और नेकलेस टाइप का बनाइए। तो क्या होगा, उसमें धागा डाल के आप बीट्स डालते हो, मोती पिरोते हो, ठीक है, तो उससे फिर क्या होती है, एक माला बन जाती है आपकी, है ना। तो ठीक इसी तरह से जो हमारे फाइबर्स होते हैं जो हम कपड़े पहनते हैं, वो भी कुछ इस तरह से चेन टाइप में बन के फिर बनाए जाते हैं। ओके, और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? यस, इनमें सिमिलैरिटी है, क्योंकि चेन सिस्टम बन जाता है और उससे फिर एक पूरी माला तैयार है, और ये भी चेन सिस्टम बन गई है। ठीक है, ए और बी फिगर आपको दिखा के यही चीज़ बता रहे हैं। ओके, नाउ अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो यहाँ पर क्या बोला आपको कि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको जोड़ने के बाद, ठीक है, केमिकली सब्सटेंस होते हैं ये, केमिकल से बनते हैं, इनको जोड़ा जाता है। ओके, कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर। जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनको जोड़ते हैं केमिकली, ठीक है, और केमिकल को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद एक यूनिट बन जाती है, और ठीक है, लार्ज सिंगल यूनिट बनती है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। ओके, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड हैं, जैसे पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, काफ़ी सारे, एंड मर मीन्स होता है पार्ट यानी यूनिट। ठीक है, वो कोई यूनिट जो ज़्यादा मात्रा में एक के साथ एक जोड़ते चले जाते हैं, वो हो गया पॉलीमर। ओके, तो सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर जो होता है वो रिपीटिंग यूनिट्स होता है, बार बार एक एक यूनिट्स को रिपीट करके और उससे पूरे एक चेन बना ली जाती है। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, इस पट्टी में पढ़ते हैं हम क्या है ये। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचर में भी अकर करते हैं, जैसे कि कॉटन फॉर एग्जांपल, ठीक है, इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। तो जो कॉटन बनता है वो एक्चुअल क्या है, पॉलीमर है। ओके, सेलुलोज, इसको हम बोलते हैं सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है वो पूरा चेन सिस्टम में बनता चला जाता है, जिससे कि वो कॉटन तैयार होता है आपका। ओके, सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और जो सेलुलोज होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। क्लियर हो गई बात। जो कॉटन आपने देखा होगा, कॉटन बॉल्स जो देखे होंगे, तो वो इसी तरह से तैयार होते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है प्लांट में उससे वो तैयार होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स रेयॉन। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर का एक टाइप है क्या, रेयॉन। अब रेयॉन जो है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। आप पहले ही 7th क्लास में पढ़ चुके हो, जो सिल्क है वो ऑब्टेंड होता है कहाँ से, सिल्क वॉर्म से। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, और ये चाइना में डिस्कवर्ड हुआ था सबसे पहले, कहाँ डिस्कवर्ड हुआ, चाइना में। ठीक है, एंड वॉज कैप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये बहुत समय तक सीक्रेट बना के रखा था चाइना वालों ने। ओके, फिर बाद में धीरे धीरे ये बात लीक होने लगी तो सबको पता लगने लगा। ओके, फैब्रिक ऑब्टेंड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। ठीक है, और ये बहुत कॉस्टली होता था, सिल्क जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए वो बताना ही नहीं चाहते थे किसी को, ठीक है, किसी भी देश को। ओके, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्चर फैसिनेटेड एवरीबडी। ठीक है, जो इसका टेक्चर होता है सिल्क का, वो बहुत ही फैसिनेटेड होता है, दूसरे को आकर्षित करता अपनी ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशली। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, जब 19th century लगी थी, ठीक है, या ख़त्म होने वाली थी, टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th century, जब सॉरी 19th century जब ख़त्म होने लगी थी, तो साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी ढूंढ निकाली थी सिल्क की। ठीक है, सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेंड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प।
तो वुड पल्प से, वुड पल्प होता है जो लकड़ी की जो छाल होती है ना, उससे केमिकली उससे निकाल के उससे बनाया गया था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन, और उस फाइबर का नाम दिया गया था रेयॉन। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है ये, ना तो पूरी तरह से सिल्क होता है और ना ही सिल्क से कम होता है, ये मीडियम में होता है, पर अच्छे लेवल का सिल्क होता है। ओके, तो प्योर सिल्क नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, बट ये भी कॉस्टली होता है। ओके, तो रेयॉन इसको बोलते हैं। ऑल दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, तो ये क्या है, नेचुरल सोर्स से निकाला गया वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, जबकि ये मैन मेड है क्योंकि ये मनुष्य ने खुद से बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि ये खुद से वहाँ पर सिल्क पैदा हुआ है वुड पल्प में। ओके, इट इज़ चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क की मात्रा में सस्ता होता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और हम उस सिल्क फाइबर की तरह ही इसको वोवन कर सकते हैं, सिल सकते हैं, बना सकते हैं कपड़े। ओके, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको हम बहुत सारे कलर्स में डाई कर सकते हैं। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स, और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, रेयॉन को मिक्स किया जाता है वूल के साथ ताकि कारपेट बन सके, और रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ ताकि बेडशीट वगैरह इनसे बनाई जा सके। ओके, तो 3.2 में ये फिगर आपको दिखा दी गई है कि बेडशीट दिखा रखी है आपको और यहाँ कारपेट दिखा रखा है, तो इस तरह से आपको आइडिया मिल जाता है कि रेयॉन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। नाइलॉन, अब नाइलॉन क्या है, नाइलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, जो नाइलॉन है वो भी एक तरह का मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फ्रॉम प्लांट और एनिमल, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये पूरी तरह से क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, और ये इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल एंड वाटर, कोल वाटर एंड एयर, इनके द्वारा ये चीज़ बनाई गई है, क्या, नाइलॉन। ओके, अब आपने कई बार देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं वो नाइलॉन के ही होते हैं। ओके, तो समझ सकते हो कि वो किस तरह से बने होंगे, कोल वाटर एंड एयर। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, जो नाइलॉन होते हैं वो हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक यानी मुड़ने वाले होते हैं, लोचदार होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है, और हल्के होते हैं। इट वॉज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ओके, ये क्या है, लस्ट्रस होते हैं, जब इसको काटोगे तो चमकीले चमकीले से होते हैं, इसलिए बोलते हैं लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, और ये जल्दी से धुल जाते हैं, अगर पानी में हम इसको धोएं तो जल्दी से धुल जाएंगे। ओके, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक है, इसलिए ये पूरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए, क्लॉथ कपड़े बनाने के लिए। ठीक है, वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे घरों में यूज़ करते हैं जो नाइलॉन से बनी हुई हैं, सच एज सॉक्स, जो जुराबे होती हैं वो नाइलॉन की बनी होती हैं, रस्सियाँ जो कुएं से खींचते हैं पानी को, रस्सियाँ, या घर में कपड़े सुखाते हैं तो वो नाइलॉन की बनी होती है, टेंट्स जो टेंट बनते हैं वो भी आपके नाइलॉन, टूथ ब्रशेस, कार सीट्स, सीट बेल्ट, जो सीट बेल्ट होती है वो, स्लीपिंग बैग बैग्स, ठीक है, कर्टन्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके किससे बनी है, नाइलॉन से। नाइलॉन इज़, आगे देखते हैं, ये आप फिगर में भी देख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाता है, चलिए बूझो, देखते हैं क्या कहता है। इज़ नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नाइलॉन पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, क्या बूझो, पूछता है क्या ये सच में इतने मजबूत हैं कि हम ये भी काम कर सकते हैं, जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं तो उस पर क्या ये रस्सियाँ काम आ सकती हैं, ठीक है, पैराशूट बना सकते हैं, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसके, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती हैं तो इन कामों के लिए आसानी से लिया जा सकता है। तो यहाँ देखिए आगे इस पोर्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रॉक क्लाइंबिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, और ये पैराशूट। ओके, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, जो नाइलॉन थ्रेड है, जो नाइलॉन के जो धागा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है
अगर हम स्टील का वायर ले लें उससे भी, ओके लेट अस फाइंड आउट। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। ओके टेक एन आयरन स्टैंड विद अ लैम्प क्लैंप, टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 3.5 एट द फ्री एंड सस्पेंडेड सस्पेंड अ पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। ठीक है, रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल पॉलिस्टर सिल्क एंड नायलन, टेबुलेट द डेटा एज शोन इन द टेबल 3.2, अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। ओके तो यहां पर आपको समझ में आ जाता है, ऑब्जर्वेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। ठीक है, यहाँ पर कॉटन के साथ, वूल के साथ, सिल्क के साथ एंड नायलॉन के साथ, तो देखने को यही मिलेगा सबसे ज़्यादा वेट झेलने वाला होगा नायलॉन। ओके यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। ओके चलिए यहाँ पर तो ये आगे चलते हैं। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक क्या है? पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, जो पॉलिस्टर होता है वो एक तरह का वो भी सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली, जो ये पॉलिस्टर होते हैं ये रिंकल्ड नहीं होते। जैसे कई बार आपने देखा होगा कॉटन के कपड़ों को अगर मरोड़ो तो उसमें रिंकल्ड आ जाते हैं, लाइनें आ जाते हैं, क्रीज सी बन जाती है, बट इन पॉलिस्टर में ऐसी क्रीज नहीं बनेगी। ठीक है, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसलिए यही वजह है कि जो स्कूल के ड्रेस या बहुत सारी जहाँ पर ड्रेसेस लगती है तो इन कपड़ों में बनाया जाता है, किसमें? पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक में। ओके तो क्योंकि ये इजी टू वॉश होते हैं, ये फटाफट धुल जाते हैं, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। ठीक है, टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, जो टेरिलिन पॉलिस्टर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो ड्रेस बनाने के बहुत अच्छे काम में आती है और उससे बहुत जल्दी धुलाई में धुल जाती है। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन इसके बाद आगे चलते हैं, वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, अब पहली कुछ बोलती है, माई मदर ऑलवेज बायस पेट बॉटल्स। आपने देखा होगा घरों में बॉटल्स लेके आते हैं हम। ठीक है, पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर वॉट पेट इज। ओके तो पहली देखती है कि वो पेट जार और पेट बॉटल्स ही क्यों लेते हैं। ओके उसकी जगह कुछ और क्यों नहीं लेते? तो पेट यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पेट का मतलब होता है पॉलीथिलीन टेरीफ्लेट, क्या है? पॉलीथिलीन टेरीफ्लेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, और ये बॉटल्स को बनाने के काम आती है। यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। तो आप अपने आस पास की जगह पर देख के भी आप बता सकते हो कौन सी चीज़ पॉलिस्टर से बनी हुई है। ओके तो यहाँ पर चलते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या? पॉली जमा ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। जो ईस्टर होते हैं वो केमिकल में
केमिकल्स हैं एक तरह के, और ये फ्रूट की तरह स्मेल करते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, जो फैब्रिक्स इसके मिलते हैं वो पॉलीकोट के नाम से मिलते हैं, पॉलीवूल के नाम से, टेरिकॉट के नाम से मिलते हैं, एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, ये दो टाइप के फाइबर से मिलकर बनता है एक, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं पॉलिस्टर एंड कॉटन, तो पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जो पॉलीकोट है वो दो, ठीक है, टू टाइप्स के फाइबर से मिलकर बना है। पहला है पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, जो पॉलीवूल है वो भी दो से मिलकर बना है, यानी कि मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर है प्लस वूल। तो पॉलीवूल दो चीज़ से मिला है, मिलकर बना है, पॉलिस्टर एंड वूल, और पॉलीकोट यानी के कॉट यानी कॉटन, वूल से तो वूल ही है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स। ओके, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, हम विंटर में ये चीज़ें पहनते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, बहुत सारे वूल से नहीं बनते। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी बनी होती हैं जो एक्रिलिक होती हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर इज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप, जो एक्रिलिक्स, जो ऐसे क्लॉथ जो एक्रिलिक से बने हैं वो थोड़े से सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। ओके, ये ज़्यादा पॉपुलर हैं नेचुरल फाइबर्स के से, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं और नेचुरल फाइबर कम समय के लिए चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। ओके, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स, यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। कभी कभी आपने जलाया होगा या बर्न किया होगा आपने अपने घरों के पास में या घर में, तो ये डिफरेंट तरीके से जलते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो अलग तरीके से जलते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो अलग तरीके से जलते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, आपने नोटिस किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, यही एक डिसएडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर, अगर क्लॉथ्स जो है फायर उसमें आग लग जाए तो वो इट कैन बी डिजास्ट्रस, ठीक है, ये बहुत घातक हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी और ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, ठीक है। यही वजह है कि जो घर में गृहिणी होती हैं जो खाना बनाती हैं, जैसे मदर हो गई या कुक हो गया, तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह के फैब्रिक्स ना पहने। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से फैब्रिक्स पहनेंगे तो अगर कभी आग लगती है तो ये पूरी तरह से चिपक जाते हैं बॉडी में, ठीक है। जैसे ही हम छुड़ाएंगे वो छूटेगा नहीं बल्कि हमारी बॉडी को चिपक जाएगा, बॉडी में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा आग लगेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी में और किचन में इस तरह की ड्रेसेस पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी आग लगे या कोई छींटा पड़े या कोई रिएक्शन ऐसा हो जिसमें गर्माहट हो तो वो तुरंत ही उसको पिघाल देगा, और वो पिघलेगा तो हमारी बॉडी से चिपक सकता है, जिससे कि हमें हर्ट हो सकता है, ठीक है, ये हमारे लिए डेंजरस है। तो पहली कुछ बोलती है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। तो पहली समझ जाती है, आप भी समझ गए होगे कि आपकी मदर कॉटन की ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कॉटन के पहन के किचन में जाएं, क्योंकि कॉटन में जल्दी से आग नहीं लगती है। बट
ये सिंथेटिक पॉलिस्टर या सिंथेटिक फाइबर्स पहन के जाते हैं तो उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके, क्योंकि वो गर्म जैसे ही मिलेगा उनको गर्म चीज़ तो वो पिघल जाएंगे और पिघल के बॉडी में चिपक जाएंगे, ओके। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को प्रोसेस में ला के, ठीक है, उससे बनाया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम, अब यहाँ बोला यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो पेट्रोलियम जो मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम होते हैं, उनको यूज़ करके बनाया जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, याद रखिएगा। पेट्रोकेमिकल्स किससे बनता है? जो रॉ मटेरियल्स होते हैं पेट्रोलियम के, उनके 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 थ्रू प्रोसेस में लाकर बनाया जाता है, ओके, तो इसी को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ओके। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन आ रहे हैं 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, मान लीजिए कि बरसात का समय है। वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, कॉटन का कि कोई और सा? ऑब्वियस सी बात है सिंथेटिक फाइबर यूज़ करेंगे, क्योंकि पानी उसमें सोखेगा नहीं, ओके, वो गिरा देगा। तो सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। आपने समझ लिया होगा यहाँ पर कि हम छाते को किस तरह से लेते हैं, यानी कि किस तरह का छाता हम लेते हैं। कॉटन का तो ऑब्वियस ही बात है नहीं लेंगे। दूसरी बात, हम सिंथेटिक फाइबर का ही क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, ठीक है, और जल्दी से ड्राई हो जाता है, ओके, और ईजी टू मेंटेन किया जा सकता है, वो सिकुड़ते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से यही सारे इसके क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो एक्टिविटी ज़रा पढ़ लेते हैं 3.2। देखिए बच्चों, एक्टिविटी मैं इसलिए ज़रूरी पढ़ाता हूँ क्योंकि एक्टिविटी से आपको आइडिया हो जाता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, ओके। तो ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग और देखा कीजिए, है ना। एक्टिविटी 3.2 में क्या बोला है? टेक टू क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज, दो क्लॉथ पीसेस लीजिए सेम साइज़ के, और रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, दोनों को हाफ मीटर होना चाहिए स्क्वायर में, ओके। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, ठीक है, द अदर्स कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। जो दोनों हो, एक तो हो नेचुरल फाइबर का और दूसरा हो सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, आप उसको डुबोइए। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। आप नोटिस करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होगा उसमें पानी नहीं होगा या हल्का होगा, बट जो कॉटन का होगा उसमें पानी भरा होगा, यानी कि उसमें सूखा नहीं होगा। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। घर में आपने नोटिस भी किया होगा, कई बच्चों ने नोटिस किया होगा, तो ध्यान रखिएगा, ओके। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स? तो आपने करके देखा एक्टिविटी, तो आपको समझ में आया होगा, तो अब आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, ओके। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या करेगा? सोक लेस वाटर, वो पानी को कम सोक करेगा, ओके। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? वो कम समय लेगा ड्राई होने में, जल्दी से सुखा देगा। वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स फैब्रिक्स? तो ये सिंपल सी बात बताई कि ये हमारे लिए क्या होगा कि कम समय लेगा हमारा, ठीक है, ये जल्दी सुखा देगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया।
ओके, इजी टू वॉश हो गया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए आपके। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू दी नेचुरल फैब्रिक्स। तो इससे पहले ऊपर मैंने यही बताया था, आपको ये पता लग जाएगा कि ये चीप होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं, ओके, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये ज़्यादा समय तक चलते हैं, ठीक है, ईजी टू मेंटेन किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं नेचुरल और सिंथेटिक में। अब आते हैं प्लास्टिक्स, तो मेन पॉइंट आने वाला आ गया है आपका, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए, यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आप ऐसे लिस्ट बनाओ जिसको आप यूज में लाते हो, ठीक है, तो बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो सेक्शन दिख रहा है, एक तो ये क्या है, लीनियर चेन है, और यहाँ क्या है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। बी वाला जो देख रहे हो ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है, और ऊपर वाला क्या है, लीनियर है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट, ओके, सीधा जा रहा है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, प्लास्टिक जो है वो एक तरह का पॉलीमर है, लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, इन सम इट इज लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक्ड, ठीक है, कुछ जगह तो ये लीनियर होते हैं और कुछ जगह क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन द पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी, ठीक है, बहुत तरह की शेप्स में मिलते हैं आपके, साइज में मिलते हैं प्लास्टिक्स, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजली मोल्डेबल, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल्ड किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, कलर्ड किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, इसको शीट्स में भी बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है, और वायर में भी बदला जा सकता है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, इसलिए इसके बहुत सारे तरह के यूजेस हो सकते हैं, ओके। तो आप इसमें एग्जांपल्स में देख सकते हो, चेयर है, बकेट है, ग्लास है, ठीक है, प्लास्टिक के टॉय हैं, ओके। तो पॉलीथीन, अब पॉलीथीन क्या है, पॉली मीन्स तो मैनी होता है, ठीक है, इथीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बनती है इसको बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन आप बाज़ार में भी जाते होगे सामान लेने, तो वहाँ पॉलीथीन बोलते हैं, ओके। तो पॉलीथीन बना कैसे है, यहाँ पर क्या है, पॉली जमा इथीन, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है पॉलीथीन बैग बनाने के लिए, ओके। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड ईजली, क्या बहुत सा जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो ईजली बेंड हो जाती हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजली वाइल सम ब्रेक वैन फोर्स टू बेंड, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जो ईजली बेंड हो जाते हैं, बट कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो बेंड करने पर टूट जाते हैं, ओके। वैन वी अब यहाँ पर मेन पॉइंट आपको समझना है, वैन वी एड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड, जब कभी आपने नोटिस किया होगा कि गर्म वाटर आप डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे, तो वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, मेल्ट होने लगता है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स, ऐसे प्लास्टिक्स जो ईजली बेंड हो जाते हैं, ईजली क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, पिघलने लगते हैं या मुड़ने लगते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, जो पीवीसी और पॉलीथीन है ये एग्जांपल है किसके, थर्मोप्लास्टिक के, ओके। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, इनको यूज़ किया जाता है टॉयज़ के लिए।
कॉम्ब्स जो कंघियाँ बनाते हैं, कोम्ब बोलते हैं, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, और कई तरह के कंटेनर बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफन्ड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं, एक बार वो सॉफ्ट करके अगर उसको बना दिया या मोल्ड कर दिया किसी चीज़ में, तो उसके बाद दोबारा वो हीट करने पर नहीं सॉफ्ट कर सकते या मोल्ड कर सकते, उसको दोबारा से नहीं बना सकते, ठीक है। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, टू एग्जांपल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। जो बेकलाइट एंड मेलामाइन है, ये आपके क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपने नोटिस किया होगा कई बार जो बिजली के जो सामान, बिजली के जो बोर्ड होते हैं, वो सब इसी प्लास्टिक्स के बनते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। कई बार आपने देखा होगा वो गर्म तो हो जाता है बट वो पिघलता नहीं है, ठीक है। बेकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता और हीट का पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल, जो मेलामाइन है वो क्या है, वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। अब मेलामाइन जो आपने देखा होगा कई बार कुकर के हैंडल जो होते हैं या कोई भी जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं किचन में, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं, ठीक है। और ये हीट को रेसिस्ट करते हैं, ठीक है, ये गर्म नहीं होने देते। तो आप, यही वजह है कि कुकर की जो हैंडल होती है वो तो गर्म रहता है, बट ये मेलामाइन जो हैंडल में कवरिंग होती है वो आपका ठंडा रहता है, यानी कि उसको आप पकड़ के कुकर को उतार लेते हो गैस से, ठीक है। तो ये हीट रेजिस्ट होता है, फायर रेजिस्ट होता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ठीक है, जो ये फ्लोर टाइल्स होती हैं इनको बनाने के काम आता है, ठीक है, और किचन वेयर, जो भी किचन के सामान होते हैं, एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, और जो फायर से हमें बचा सके उसके लिए ये फैब्रिक्स भी बनाए जाते हैं। शोज़ द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये सारे यूजेस थे आपके, जहाँ जहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये आपको फिगर में भी दिखा दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये हो गया आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है, आप देख सकते हैं ये, ओके, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग का ऊपर हो गया, थर्मोप्लास्टिक का नीचे हो गया। अब इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर चलें आगे। 3.5 प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, ठीक है, वाटर, मिल्क, पीकल, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, ठीक है। अब आपने घरों में देखा होगा कि कोई चीज़ अगर अचार रखना है, कोई दाल रखनी है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिब्बे की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं डिब्बा, ठीक है। तो कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है हमें किचन में, तो ये जो कंटेनर हैं ये हमारे किससे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्लास्टिक से ही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, इनके ये सस्ते मिल जाते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ लंबे समय तक चलती है, ठीक है। और बीइंग लाइटर एज कंपेयर्ड टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, ठीक है, फर्नीचर और डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। बहुत तरह की आर्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत तरह की वस्तुएं इसमें पाई जाती है जिसकी गिनती नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये सारे किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, ओके। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इस पर कोई भी बैक्टीरिया फीड नहीं कर पाता, ठीक है, ये सड़ते गलते नहीं है, ओके। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपने देखा होगा कि कोई अगर मेटल को अगर आप खुले जगह पे छोड़ दें तो वहाँ पर मॉइस्चर की वजह से और एयर की वजह से वो रस्ट हो जाता है, यानी कि रस्ट का मतलब हो गया जंग लग जाना, ठीक है। बट
प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, जो प्लास्टिक होता है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर और एयर में, ठीक है। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। ओके, इसलिए लेबोरेटरी में केमिकल्स को भी इनमें इन प्लास्टिक्स में रखा जा सकता है, ओके, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट, आप अपने दादाजी से और पापा जी से घर में मम्मी से पूछिए कि पहले के समय में बकेट्स कैसे यूज़ करते थे। वॉट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टूडे, वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ, तो आप इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं और ये बहुत सारी जगह पे यूज़ किए जाते हैं और ये मेटल्स से चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ये हम पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।